बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहसिन एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो उन लोगों तक पहुंच सके और वो भी मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकें। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो MCM301 कम्युनिकेशन स्किल का जो क्विज नंबर 5 आया हुआ है उसके ऊपर है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्स ऑन ह्यूमन रीज़न। इसमें इमोशनल अपील है, लॉजिकल अपील है, इररिलेशनल अपील है और लास्ट में अनरीजनल अपील है। तो इसमें जो हमारा लॉजिकल अपील है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल राइटिंग एंड परसुएसिव मैसेज विच काइंड ऑफ बिगिनिंग विल बी मोर अप्रोप्रिएट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, बिगिन विद द कैचिंग प्रोवर्ब, बिगिन विद द बफर, बिगिन विद इंफॉर्मेशन दैट कैच द रीडर्स अटेंशन और बिगिन डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो हमने जो है ऐसा शुरू करना है कि हम सबसे पहले रीडर की अटेंशन को गेट कर सकें, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारे ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग We reason from a generalization to specific conclusion. Analogy है, logic है, induction है और detection है। तो इसमें last वाला जो detection है इसके अंदर होता है, हम generalization से specification की तरफ जाते हैं। Next है, the letter of decline must be straight, courteous और callous है और unsympathetic है। तो इसमें courteous जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट ऑप्शन है जी, क्वेश्चन है जी, इन अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर रिक्वेस्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन क्लोजिंग पैराग्राफ, क्लोजिंग सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो हमारी जो डायरेक्ट रिक्वेस्ट होती है वो हम पहले फिक्रे में ही बता देते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रेफर टू कम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसमें डेयर सर मैडम ये तो ओपनिंग हो गया, योर सिंसियरली ये क्लोजिंग है, कॉन्फिडेंशियल है, हेड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो इसमें योर सिंसियरली या योर ट्रूली ये हमारा कम्प्लीमेंट्री है किसी भी लेटर को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड नॉट बी यूज्ड टू कैप्चर अटेंशन इन द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ परसुएसिव मैसेज। यूज ऑफ कलर है, यूज ऑफ रिसीवर नेम है, यूज ऑफ कंजक्शन है और यूज ऑफ इंटरजेक्शन है। तो आई थिंक दोस्तों इसमें मैंने मतलब सेकंड ऑप्शन लगाया, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आप इसको अपने एंड से ठीक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन द क्लेम लेटर डिफर फ्रॉम अदर पॉजिटिव एंड नेचुरल मैसेज यूजिंग द डायरेक्ट प्लान। कंटेन फेल अपील है, हैव इट एक्सप्लेन ओमिट है, प्लेस ब्लेम ऑन रिसीवर है और कंटेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये आई थिंक के इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, ऑर्डर लेटर आर कंप्रेसिव ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कंटेंट कंपोनेंट एक्सेप्ट पर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम बींग ऑर्डर, डायरेक्शन ऑफ शिपिंग द मर्चेंडाइज, क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ द आइटम और मेथड ऑफ पेमेंट। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, सिर्फ क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ आइटम जो है वो नहीं होती क्योंकि ये कंपनी के इंटरनल मामले आते हैं और वो खुद देखती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एवरी कस्टमर हैव मी क्लेम इज इमोशनली इन्वॉल्व, देयर फॉर द फिल इन द ब्लैंक्स इज यूजुअली द बेस्ट अप्रोच फॉर द रेफ्यूजल। डायरेक्ट मेथड है, कैलरस मेथड है, फ्रेट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है। अगर आपने किसी को रेफ्यूज करना हो तो आप कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्टली जो है उसको जवाब दे दें, आप डायरेक्टली नहीं देते, तो इनडायरेक्ट मेथड जो है वो हमारा रेफ्यूजल के लिए यूज़ होता है। दोस्तों ये था हमारा क्विज, उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है, आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों ये था आज का हमारा क्विज, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।